हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों को एक मतलब कच्चे चावल से एक बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाना दिखाऊंगी, जो कि हेल्दी भी रहेगा थोड़ा और थोड़ा सा अनहेल्दी भी होगा, क्योंकि इसको हम डीप फ्राई करेंगे। इसलिए ये जो चावल है ये कच्चे हैं, इसको मैंने 6 से 7 घंटे भिगो के रखा था, जिससे ये बिल्कुल नरम हो गए। तो इसमें मैं चीनी डालूंगी, चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। और फिर मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं, बट मैंने घी इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हो गई है, तो घी से ये थोड़ा सा टाइट से हो जाएंगे, इसलिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाला। अब देखिए, इसका ऐसे एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। इसको मिक्सी में मैंने ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसको खूब अच्छे से मैं इसको फेटूँगी और उसके बाद मैं इसको 5 से 10 मिनट और रेस्ट पर रख दूँगी। ये काफ़ी अच्छा एक नाश्ता बनता है, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, इसको चाय के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। चावल इसमें मैंने चावल डाला है, इसलिए ये बाहर से क्या कहते हैं उसका नाम कुरकुरे रहेंगे, और मैंने इसमें आटा डाला है कच्चा 1/2 कप, तो अंदर से ये सॉफ्ट रहेंगे। ये बेकिंग सोडा है, जिससे कि ये फूले फूले से गोल गोल से बनेंगे, तो मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करूँगी और फिर मैं इसको अच्छे ढंग से मिक्स कर दूँगी। और मैंने ना यहाँ कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। मैं इसमें छोटे छोटे से ऐसे पकोड़े से तल लूँगी, और ये जितना ज़्यादा पुराना होता है ना, जैसे आप बना के अभी रख लेंगे और जितना ज़्यादा ये पुराना होगा, उतना ही ज़्यादा ये चाय के साथ इंजॉय करने में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे से पकोड़े निकले, इनका कलर कितना सुंदर है। और ये एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, ये मैंने बनाए थे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, और ये अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर करती हूँ। मैं एक एक करके सारे पकौड़े निकाल लूँगी। ये देखिए मेरे सारे ये बन चुके हैं, अभी ये गर्म है, ये ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा टेस्टी होता जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। ओके गाय, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया उसको दिल से थैंक यू, और जो भी मेरी वीडियो को देखता है उसे भी मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू। ओके गाइज, बाय बाय।